वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ ग्रीन मसाला ढोकला की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें दाल चावल को भिगोने की और पीसने की कोई भी झंझट नहीं है। बहुत ही इजीली बन जाता है ये, और हम इसमें सारे हरे मसाले डालकर बनाने वाले हैं जिससे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और आप भी हमारी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हमारे नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो हमने 300 ग्राम ढोकला का आटा और दही लिया है। ये ढोकला का आटा बनाने में हमने 1 किलोग्राम चावल, 100 ग्राम चना दाल और 50 ग्राम मकाई डालकर दरदरा पीस लिया था। तो पहले आटे में 3 चम्मच दही डाल देंगे। दही मीडियम खट्टा ही लिया है। अब हमने गर्म पानी लिया है, इसे धीरे धीरे करके आटे में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे ढोकला का। इसमें गर्म पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि गर्म पानी से आटा फूल जाता है और ढोकला एकदम सॉफ्ट बनता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाना है जिससे इसमें लंग्स भी ना रहे और हमारा मीडियम सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। देखिए ऐसा ही बैटर चाहिए हमें ढोकला बनाने के लिए। अब ढक्कन रखकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो हमें ढोकला में क्या क्या मसाले डालने हैं चलिए देख लेते हैं। हमने ली है फ्रेश मेथी 1 कप, हरा लहसुन 1 कप, छिली हुई लौकी 1 कप, धनिया लिया है 1 कप, अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट 1 चम्मच और 1 कप पालक ली है। और ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धोकर कट कर लिया है। तो 3 घंटे हो चुके हैं, चलिए अब बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर अच्छे से फूल चुका है, देखिए थोड़ा सा पतला भी हो गया है ये। अब इसमें डाल देंगे छिली हुई लौकी और बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। ये ढोकला का नाश्ता अक्सर सबको पसंद होता है और इसमें तेल भी बहुत कम होता है, इसलिए जिसे वेट का प्रॉब्लम हो वो भी इसे बेझिझक खा सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सोडा और 1/2 कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें पालक और मेथी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब डाल देंगे हरा लहसुन, मिक्स कर लेंगे इसे। ये बैटर को आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन हो गर्म गर्म ढोकला बनाकर खा सकते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है, देखिए एकदम परफेक्ट बना है ये। अब हमने एक प्लेट में तेल लगा लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच जितना बैटर डाल देंगे। मैं मीडियम ढोकला ही बना रही हूँ, अगर आपको थिकनेस ज़्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच बैटर और डाल दें। और जब तक ये प्लेट तैयार हो हमने साइड में एक कढ़ाई में गर्म पानी करने के लिए भी रख दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आपको पसंद हो तो आप लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए प्लेट रेडी है और पानी भी गर्म हो गया है। अब प्लेट को कढ़ाई में रखे हुए स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ढक्कन रखकर इसे 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर देख लेंगे और चाकू से इसे चेक कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से पक चुका है ये। अब प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए इसे देखने से ही पता चल जाता है कि ये कितना टेस्टी बना होगा। अब इसके ऊपर तेल लगा देंगे, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें तड़का लगा कर भी खा सकते हैं। जैसे भी खाओ
बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएगा। अब हम इसके पीस कर लेंगे। हमने इसे 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था, इसलिए पीस भी अच्छे से हो रहे हैं। ये बहुत ही हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता है, और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो हमारा ढोकला बनकर तैयार है, देखिए एकदम सॉफ्ट बना है ये। तो ये ठंडी के मौसम में अगर आपको कुछ गर्मा गर्म नाश्ता करने का मन हो तो ये ग्रीन मसाला ढोकला की रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई करना, क्योंकि ये इतना टेस्टी और हेल्दी बनता है जिसके आगे आपको बाकी सारे नाश्ते का टेस्ट भी फीका लगेगा। और घर वालों को भी एक बार ये ढोकला बनाकर खिलाया तो उन्हें भी इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। Thank you.